गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? बैठ जाऊँ यार मैं पहले, एंड मैं देखो किस पर बैठी हूँ, मैं सूट केस पर बैठ गई हूँ। और आज अभी टाइम हो रहा है 10:45 हो रहे हैं, दिन है थर्सडे। हाँ दिन थर्सडे है, और अभी मैंने काम फैला दिया है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ना, मेरा कपड़ों का काम ना फिनिश नहीं हो रहा है। पता नहीं आप लोग भी सोचेंगे कि पता नहीं कितना काम फैलता है, बट होता है ना कि डेली 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 बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, वो वॉश करने, प्रेस करने, रखने, सीरियसली कपड़ों का बहुत काम होता है। और अब की बार तो पता नहीं क्यों बहुत काम, मतलब फिनिश ही नहीं हो रहा है। बिकॉज हम राजस्थान चले गए थे 15 डेज़ के लिए, तो वहाँ से जो कपड़े लाए थे उनको वॉश करके रखना, सब कुछ बहुत काम हो जा रहा था। और आज भी देखिए दिखाती हूँ, और इधर भी देखो, इधर भी क्या बोलते हैं, मैंने एक नीचे जो पुराना दुपट्टा था उसे बिछा कर, और अपने एक सेकेंड ना दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो कपड़े कपड़े पड़े हैं ना नीचे। हाँ तो देखिए मैंने अलमीरा बिल्कुल खाली कर दी है, और इस टाइप की है मेरी अलमीरा, और दिख रहा है आपको, इधर नहीं दिखेगा ना, ये दिख रहा है, ये एक्चुअली यहाँ जब सामान शिफ्ट किया था हमने, तो जब ऊपर रखवाया था ना, तो पता नहीं कैसे ग्रिल पे बहुत ज़ोर की टच हुई थी, क्योंकि ऊपर चढ़ाना और फिर बहुत हैवी अलमीरा है, ये वुडन की अलमीरा है और इस टाइप की है। और ये यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे और ये दो इधर रैक है, रैक टाइप में है, तो स्पेस तो काफ़ी है। और यहाँ इस वाले के कपड़े मैंने नहीं निकाले, ऊपर मैं इसमें पर्दे वगैरह, अपनी बेडशीट्स हो गई इस टाइप से रखती हूँ, तो ये पर्दे रखे हैं, और इधर ये बेडशीट रखी है, इसी तरीके से रखती हूँ मैं, ऊपर बेडशीट वगैरह हो जाती है और नीचे हमारे कपड़े। तो ये करनी है मुझे, सॉरी गाइज, बट बाद में बताती हूँ जो फीलिंग्स है मेरी, कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है आप लोगों को, तो प्लीज़ ब्लॉग कंटिन्यू रखिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आपका मन करे, अच्छा लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार ही तो है जिससे मैं मतलब ब्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ। बिकॉज अभी ना कुछ दिनों से मैं डीमोटिवेट हो रही थी, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं अपने कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। चलो गाइज, तो मेरा सबसे बड़ा काम फिनिश हो गया है। एक्चुअली मतलब आफत टली वो वाली बात है, अलमारी मेरी बिल्कुल सेट हो गई है, बिल्कुल एकदम, और सिर्फ प्रेस के कपड़े बाकी हैं, प्रेस कराने हैं, जो कराने हैं नहीं मतलब मैं करूँगी यार। बाई चांस ही ऐसा होता है कि मैं बाहर प्रेस कराती हूँ, जब बहुत ज़्यादा काम होता है या कहीं जाना होता है, मतलब ज़रूरी है, टाइम नहीं है, तब कराती हूँ। हो सका तो शायद अब की बार भी करा लूँ, क्योंकि थोड़ी बैटरी डाउन है मेरी और बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के, तो इसलिए शायद मैं भी करा लूँ, बट अभी कुछ नहीं कह सकती। तो बस प्रेस के कपड़े बाकी हैं, और विंटर्स के कपड़े अभी मुझे रखने हैं, रीअरेंज करने हैं, तो बस मैं उनको रख दूँ और
बाकी तो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, बस वही बाकी हैं, मतलब उनको तय करना है दोबारा से, क्योंकि रखे रखे थोड़े हो जाते हैं। और मैं ऐसे करती थी जब मैं कपड़े वॉश करती थी, जैसे इनकी जैकेट हो गई, मेरे हो गए, कोई कुछ वुलन के कपड़े हैं वो, मतलब धीरे धीरे करके, वैसे तो वॉश करके रखते हैं, बट गए जो 3-4 दिन हैं, लास्ट के जो 2 डेज़ मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मेरा मन नहीं था और काम बहुत ज़्यादा था। मुझे एक्चुअली आज विंटर्स के कपड़े रखने थे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो फिर मेरा काम तो रह ही जाएगा। इसलिए जो ब्लॉग मैंने डाला है, आज डाला है और कल डाला था, नहीं कल, हाँ कल का तो ब्लॉग परसों का था, बट जो मैंने आज ब्लॉग डाला है वो पहले का ब्लॉग था, पहले मैंने शूट किया हुआ था तो बस तब का ब्लॉग था। और अभी तो मुझे ये रखना है कपड़े वगैरह, तो मैंने लास्ट 2 डेज़ में मैंने सारे कपड़े अपने वॉश कर दिए जो वुलन के थे, और अच्छे से धूप लगाई है उनको, तो बस वो रखने, उन्हें मैं रख देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मुझे नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, बहुत सारा काम है ना, लंच का कुछ है, और टाइम ना अभी 11:34 हो गए हैं, मुझे बहुत सारा काम है। चलो बस पता नहीं पीछे कोई, और पीछे वाला जो घर है उसमें कोई पता नहीं कुछ ठीक करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, रिपेयरिंग चल रही है, पता नहीं ठक 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 आवाज़ यहाँ आती पे मैं रहती कर है। रही हूँ अपने सर्दियों के चलो कपड़े गाइस फोल्ड, मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है इश्मिता नाम से, तो वो बोल रही थी कि प्लीज़ दी मेरा आप नाम लीजिएगा, तो मैं नाम लेने वाली कोई नहीं होती हूँ, आप लोग सब मेरे फ्रेंड्स हो, बट उन्होंने बोला इसलिए मैं नाम ले रही हूँ उनका, इश्मिता नाम है उनका। तो डियर मैंने आपका नाम ले लिया है। तो अब बात करती हूँ मेरे बेस्ट कमेंट की जो मेरी लास्ट वीडियो पर था, तो वो था सी का, मुझे उनका नाम नहीं पता है, बट वो सी व्लॉग्स की आईडी से मुझे कमेंट करती हैं। उनका कमेंट मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, आप लोग प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, मैं उनका कमेंट जो है वो पिन कर दूँगी। तो मैंने अपनी बात पूरी की है और मैंने अपना बेस्ट कमेंट बताया है कि मेरी लास्ट वीडियो में किसका था, तो वो शी व्लॉग्स का था। और मुझे उनका कमेंट्स बहुत 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 अच्छा लगा था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो प्लीज़ मुझे अच्छे से कमेंट करिए। गाइस तो टाइम हो रहा है अभी 12:25 हो रहा है, और ये देखिए अभी एक वीडियो शूट किया है कि विंटर्स के कपड़े हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत काम होता है यार वाइटी पे, सीरियसली बहुत काम लगता है। और अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, एक्चुअली हम कपड़ों का काम फैला देते हैं ना तो बस हो गया फिर हमारा काम। तो चलो गाइस मैंने ये कपड़े रख दिए हैं, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। एक्चुअली मैं फटाफट से क्लीनिंग कर लूँ, फिर नीचे जाना है, लंच भी बनाना है, थोड़ा सा काम है। प्लीज़ मैं आराम से बैठ के आप लोगों से बातें करूँगी, और कुछ इंपॉर्टेंट बताना है तो प्लीज़ गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 2:26 हो रहे हैं, और मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं उठ के आप लोगों से बातें कर पाऊँ, तो बस थोड़ा सा लेट गई हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। और आज ना हमें जाना है डॉक्टर के पास, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना यहाँ पे पता नहीं क्यों गांठ टाइप में हो गई है, यहाँ पे ना थोड़ा पता नहीं क्यों गांठ जैसे हो गई है, तो बस वो दिखा के आनी है डॉक्टर को, कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बस वही दिखा करके आएंगे हम शाम को। आजकल में ही जाना है, बोल तो आज के लिए ही रहे हैं हस्बैंड, पर देखते हैं अगर ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे तो जाते हैं आज ही, अदरवाइज फिर कल पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे कल। तो मुझे बड़ी टेंशन सी हो गई है, मेरे हस्बैंड बोल रहे दिखा लेंगे एक दो दिन में, कोई बात नहीं, बट मुझे ना काफ़ी टेंशन हो गई है कि पता नहीं क्यों गांठ टाइप में हो गई है, टेंशन तो होती है ना, तो बस मैं जिद कर रही हूँ, मैं कहा आज आ जाना आप, देखते हैं आज जाएंगे या कल जाएंगे, हो सका तो शायद आज ही चले जाएंगे।
काम मेरा फिनिश हो गया, लंच हो चुका है और मैं यहाँ लेट गई हूँ, आराम से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से शाम को, देखते हैं शाम को अगर डॉक्टर के पास जाना होगा तो जाएंगे, अदरवाइज फिर नॉर्मल डे, कहीं नहीं जाना जैसे कि हमेशा होता है। तो चलो गाइस, अभी मैं स्किप करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ ना, सो जाऊँ मैं, मेरे में पावर ही नहीं है, बैटरी ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी। तो चलो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से शाम को। नींद कहाँ पता ही नहीं है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, आई होप आ रही हो। चलो गाइस, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बाय। हे गाइस, तो टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं करेक्ट, और हाँ ठीक है, और 7 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली मैंने आपको दिन में बताया था कि वो जल्दी आ जाएंगे, आ तो वो जल्दी गए थे बट हम बैठे रहे। तो अभी बज रहे हैं 7 और अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, देखते हैं कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब ऑब्वियस है गले के डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब जगह कौन सी जाएंगे ये देखना है। तो चलिए, कुछ कुछ भूल जाते हो ना, मैं चेक करके ही जाती हूँ, फिर हो जाता है ना, लाइट वगैरह बंद करके सब कुछ, लाइट नहीं बंद करती हूँ मतलब फैन वगैरह बंद करके, और मैं चेक करके ही जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, बोलता चलो फिर, आप लोग तो चलेंगे ही हमारे साथ। मैं लॉक लगा दूँ पहले, वो तो जा चुके हैं, वो पूछ ही रहे थे लॉक लगा के आ जाओगे, मैंने कहा ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, चलो वेट करो एक मिनट। चैनल एंड अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट ले लिया, बस 5 to 10 मिनट्स में डॉक्टर देखेंगे। मेरे हस्बैंड और मैं यहीं बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में, तो बस 5 मिनट बाद इनको बुलाया है, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। अभी मेरा ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जैसा भी होगा आपको बताऊँगी मैं, थोड़ी टेंस हूँ, थोड़ी नहीं ज़्यादा हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकती। चलो बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, टेक केयर। और 9 बजे के समथिंग हम घर पे आ गए थे, थोड़ा सा मार्केट भी होके आए, और जैसा भी होगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। एंड बाय।